हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे मनका का रूम पेंट, प्लस उसका रूम डेकोर थोड़ा बहुत, और उसका फर्नीचर भी सेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम मनका के रूम की एक वॉल पेंट कर रहे हैं, जो बेड के पीछे वाली वॉल एक्सन वॉल होगी। तो थोड़ा सा डार्क कलर हम लेकर आए थे, और मैं उसके लिए सबसे पहले कारपेट गंदा ना हो इसलिए पुरानी बेडशीट्स बिछा रही हूँ। और अब इसके बाद हम लोग अच्छे से बिछाने के बाद जितने भी सर्किट्स हैं, प्लग्स हैं, इनको ओपन कर लेंगे, सो दैट कलर इनके ऊपर ना लगे। तो अभी आप देखोगे किस तरीके से पूरा इनका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है इस तरीके से हम निकाल दिया था। और अब एक टेप की हेल्प से, पेंटर्स टेप आती है जिसे पेंट भी नहीं उतरता और वो इजिली स्टिक हो जाती है वॉल्स के ऊपर। ब्लू कलर की आती है, ग्रीन कलर की भी आती है, बट हम ब्लू कलर की लेकर आए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने वो दिखाया था। इस तरीके से देखो हमने सारे सर्किट निकाल दिए हैं। और अब यहाँ मैं ये पेपर टेप है, पेंटर्स टेप, इसको अच्छे से चिपका दूंगी सो दैट हमारे जो सर्किट है इनके अंदर कुछ पेंट ना जाए और थोड़ा सा ये क्लीन भी रहे। सो दैट सेफ्टी पर्पज़ के लिए इनको मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। इसी तरीके से जितने भी सारे हैं सर्किट मैं इस वॉल के पैक कर दूंगी, देखो। और इसके बाद मैं जितनी भी सारी बाउंड्रीज हैं इस वॉल की उस पर भी इसी तरीके से टेप चिपका दूंगी सो दैट वो बाउंड्रीज पे कलर ना लगे। और बिल्कुल पूरा पूरा जितना भी हमें पेंट करना है सारी बाउंड्रीज पे लगा दूंगी, दरवाजे के पास भी और छत पर भी, सो दैट पेंट जो सिर्फ एक ही दीवार पे हो और बाकी कहीं भी पेंट ना लगे, सो दैट काम और ना बढ़े। और इस तरीके से हम कर देंगे पेंट, बाउंड्रीज पेंट, सो दैट जब हम रोलर की हेल्प से पेंट करेंगे थोड़ा इजी हो जाता है, सो दैट हमारा ऊपर और कहीं और ना लगे। सो पहले हमने बाउंड्रीज बना ली थी पेंट की, और अब हम रोलर की हेल्प से कर रहे हैं पेंट। और रोलर की हेल्प से पेंट करना इतना इजी होता है ना, हमारा 2 आवर्स में पूरा काम हो गया था, पूरी वॉल में 2 आवर्स में कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा टाइम राजीव ने किया, बाकी थोड़ा टाइम मैंने किया, ऐसे मिलके हो गया था। और जितनी भी बाउंड्रीज है वो तो आप देख ही रहे हो, हमने पहले कर ही लिए हैं पेंट। और ये हम लेकर आए थे लास्ट वाले वीडियो में मैंने दिखाया है, और ये ज़्यादा महंगा नहीं था, $88 का पूरा सेट आ गया था, ट्रे और ये जो रोलर। और देखो इस तरीके से वॉल हमारी पेंट हो गई है। और हमने सुबह दो इसको छोड़ दिया था, सुबह हमने इसके सारे के सारे साइड टेप थी वो निकाल दी थी, और कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा था, परफेक्ट हमारी वॉल पेंट हुई थी। तो जिस तरीके से आपको दिख रही है, आप देख ही रहे हो, बहुत बहुत प्यारा कलर लग रहा है कैमरे में, आई थिंक वो प्रॉपर कलर नहीं आ रहा बट बहुत अमेजिंग कलर हुआ है। और यहाँ मैं लेके आई हूँ मनका के लिए पेंटिंग, मनका के रूम के लिए। ये मैंने एट होम से खरीदी है, ये इसके वॉशरूम के लिए खरीदी है, लेट्स बी मरमेड, क्योंकि इसको थोड़ा सा मरमेड वाला चीज़ें पसंद है। प्रिंसेस रूल पेंटिंग है, और प्रिंसेस रूल्स बिकॉज ये प्रिंसेस है तो इसके अपने रूल्स भी होंगे, तो प्रिंसेस रूल्स पेंटिंग है। एक्चुअली हम एट होम पे गए, हमें पसंद आई तो काफ़ी अच्छी लगी, और ये लिया है प्रिंसेस वाले क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस ही तो है ना, इसलिए। और यहाँ हम एक लेकर आए हैं अलार्म क्लॉक, क्योंकि हमें इसको सुबह खुद से उठने की हैबिट डालनी है, सो दैट हम इसके लिए अलार्म क्लॉक लेकर आए हैं, सो दैट ये अपना अलार्म सेट करेगी और सुबह उठेगी। और ये प्रोजेक्टर वाली है, सो दैट ये क्लिक करेगी ना इसको सामने या छत पे या फिर सामने वॉल पे कहीं भी टाइम प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा। और अब ये है नेक्स्ट डे की बात, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की। तो यहाँ हम लोग लगा रहे हैं इसके कर्टन्स के लिए रॉड्स सेट लेकर आए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ से लेके आए कैसे। तो ये हम लोग लेकर आए हैं, और अभी हम मेजरमेंट ले रहे हैं और ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से, और सब राजीव लगाने वाले हैं। तो हमने अच्छे से इसको मेजरमेंट करके पेंसिल से टिक करके कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेंगे, हमने पूरे इसके लगा लिए थे कर्टन रॉड्स, और इस तरीके से आपको दिख ही रहा है। बट सीरियसली अपने हाथ से रूम प्रिपेयर करने में ना बच्चे का बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ मनका का फर्नीचर आ गया था, हमने पहले ही मनका का फर्नीचर पसंद कर लिया था, आना था तो हमने 2 वीक्स लेट करवाया था सो दैट हम सब बाकी सब काम कर पाएँ। और ये मनका का फाइनली फर्नीचर आ गया है, और हमने असेंबली भी ली थी सो दैट वो डिलीवरी में असेंबली के चार्जेस इंक्लूडेड थे, तो हमने डिलीवरी प्लस असेंबली ले ली थी। और ये वो लोग अभी मनका का रूम थोड़ा असेंबल कर रहे हैं। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट सेट आया था, बट बेड को बनाना था और थोड़े बहुत जो इनके नीचे पैर होते हैं ना, पैर ही बोलते हैं, जैसे इसके नाइट स्टैंड के नीचे वो जो पैरों वाला पोर्शन है वो
वो उन्होंने सेट किया, बाकी तो सब असेंबल ही था। हमें लगा कि यार डिलीवरी ले ही रहे हैं तो वो भी ले लेते हैं, तो बस ये अच्छे से मास्क वगैरह लगा के आए थे, तो असेंबली अच्छे से हमने करवा ली थी। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ मनका के रूम के लिए कर्टन, ये ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, सो थोड़ा सा डार्क की थोड़ा सा अगर हम कवर कर देंगे तो बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, उस तरीके से जेसी पैनिक से मैंने लिए और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मनका के रूम के कर्टन मिल गए थे। और ये शीर कर्टन्स हैं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन के साथ मैं लेकर आई हूँ। अभी इसके लिए कर्टन लग गए हैं पर बाकी और भी काम इसके रूम में होना बाकी है, तो इस तरीके से ये इसके कर्टन है, जेसी पैनी से मैंने लिए हैं। और एक मैं लेकर आई हूँ जो स्मॉल 63 इंचेस के कर्टन, सो दैट इसकी जो सिटिंग विंडो है ना उसके ऊपर एक विंडो विंडो है, उसमें ब्लाइंड्स तो लगे हुए हैं तो उसके ऊपर ये लगाने के लिए, कभी इसको अगर कवर करना है तो, ये गोल्डन कलर में ये वाले कर्टन मैं लेकर आई थी। और ये भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया, आई थिंक $10 का एक था या $8 का एक था, उस तरीके से हमें मिले। और ये मैं लेकर आई हूँ मनका का बेडिंग सेट, बेडिंग सेट मैंने ऑनलाइन बहुत सारे देखे थे बट ये वॉलमार्ट से हमें लकीली मिल गया, और ये इतना अमेजिंग है ना, बहुत प्यारा लग रहा था, और ओनली $50 का है, मतलब तो मुझे यकीन नहीं होता मुझे $50 में इतना अमेजिंग से सेट मिल गया। और फाइनली मनका का बेड आ गया है, ये सब सेट हो गया है, ये आ गया है, बाकी हमें कर्टन्स और डेकोरेटिव्स लगाने हैं। हाय मैरी, टू द कैमरा। ओह, टू द कैमरा, ओके, से हाय नाउ। तो गाइस ये देखो मनका का रूम हो गया सेट, हमने कर्टन्स लगा दी हैं, कुशन्स भी मैं इसके लेके आई हूँ तो वो भी मैंने रखे हैं, और ये मनका के फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स में लेकर आई थी माइकल से, तो वो मैंने लगा दिए थे। और बाकी मनका का बेडिंग वगैरह सब बिछा दिया है, मनका का पोस्टर लगा दिया है, ये पहले ही एक्चुअली इसके रूम में था, तो बस अब इसका देखो रूम पूरा ऑलमोस्ट सेट हो गया, थोड़ा बहुत और सामान आना है बिकॉज स्टडी मटेरियल वगैरह, अभी हाल फिलहाल तो सेट हो ही गया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरी फैमिली के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।